हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। दो दिन के अवकाश के बाद 28 और 29 अगस्त तक चलेगा। चंडीगढ़ में मानसून सत्र से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर शामिल हुए। बीएसई की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानकारी दी कि हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 दिन तक का रहेगा, लेकिन उन्होंने सत्र की अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया है। बीएसई की मीटिंग में जो फैसला किया गया है उन्होंने मेजोरिटी से, वो 3 दिन का मतलब कल 28 और 29। मैंने कहा था भी इनको एक्सटेंड करो, बहुत सारे इश्यूज हैं। मेजोरिटी का फैसला है, हाउस में भी हम रिक्वेस्ट करेंगे भी मैं और ज़्यादा ध्यान चाहिए। तो मैंने तो आग्रह किया भाई बिजनेस भी हो और इश्यूज बहुत है डिस्कशन के लिए, इसका टाइम एक्सटेंड किया जाए। अभी तो 3 दिन का है, फिर हाउस में भी उठाएंगे हम ये। जब ये बीएसई की मीटिंग करेंगे तो आज भी हमने डिसीजन किया, हमने मांग की है मेजोरिटी है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने भी दावा किया कि मानसून सत्र को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी है। देखिए, हमेशा तब से एक रेगुलर फीचर है विधानसभा का सेशन होना, हमारी पूरी तैयारी है। कोई भी विपक्ष कोई सवाल पूछे, कोई कॉल अटेंड, कोई अर्जेंटमेंट मोशन आए, किसी बात पे डिबेट हो, कोई क्वेश्चन, और सब बातों के लिए हमारी बढ़िया टीम है, बहुत कॉम्पिटेंट हमारी विधानसभा है। सब चीफ मिनिस्टर से लेके पूरी टीम हमारी तैयार है, कोई भी बात उसे फेस करेंगे। जहां एक तरफ कांग्रेस बाढ़ से बने हालात, नू हिंसा जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार भी अपनी तैयारी पूरी होने का दावा कर रही है। कुल मिलाकर इस बार भी हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल और सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट।